हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज लेट्स कुक विद आफरीन में हम बनाने जा रहे हैं रांदेरी रोल। रांदेरी रोल के लिए सबसे पहले मैं रोल के लिए आटा गूंदना बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप्स मैदा, कुकिंग ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट अराउंड 1 टेबलस्पून जाएगा। ऑयल ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है फ्रिज का, ये रहा। तो आपको ठंडा पानी ऐड करना है जिससे आटा एकदम टाइट अच्छा गूंदना है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा गूंदते जाना है। बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आटा, थोड़ा कड़क गूंदना है और फ्रिज का पानी लिया है मैंने आटा गूंदने के लिए, ठंडा पानी। अगर आपको ऑयल के जगह डालडा घी ऐड करना हो तो आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हो। वो ऐड करने से आपके रोल फरसे बनेंगे थोड़े, तो इट्स टोटली योर चॉइस। मैंने ऑयल ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है इस तरह से। बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट डो होना चाहिए। तो अब हम इसका फिलिंग रेडी करेंगे। तो रांदेरी रोल की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन की चना बोटी 150 ग्राम्स, बॉइल्ड नूडल्स लिए हैं मैंने अराउंड 3/4 कप, चॉप्ड ऑनियन 1 और थोड़ी सी चॉप कैप्सिकम लिए है 1 स्मॉल, एग वाइट्स चॉप 3 एग वाइट्स लिए है मैंने 1 टेबलस्पून भर के, गार्लिक चॉप, सॉल्ट, विनेगर 1 टेबलस्पून, पेपर पाउडर, शेजवान सॉस, चिली सॉस और टमाटो सॉस। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करने रखा है, तो इसमें मैं गार्लिक चॉप ऐड करूंगी। इसको लाइटली सॉटे करना है। ऑयल ज्यादा नहीं लेना है फिलिंग में, एकदम कम ऑयल लेना है, अराउंड 1 टेबलस्पून ही लेना है। ऑनियन चॉप, अब हम चिकन ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन थोड़ी सी वाइटिश हो गई है, चिकन थोड़ी सी वाइटिश हो गई है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शेजवान सॉस। शेजवान सॉस मैंने अराउंड 3 टेबलस्पून लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, विनेगर 1 टीस्पून, विनेगर ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 1 टीस्पून थोड़ी सी खटास के लिए। और अब हम ऐड करेंगे एग वाइट चॉप, पेपर पाउडर, वन टेबल स्पून टमाटो सॉस, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, और गैस को फुल फ्लेम पे ही रखना है, फुल फ्लेम पे ही सब कुछ ऐड करते जाना है। नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, और सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि इतने सारे सॉसेस गए हैं।
और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका पानी पूरा ड्राई हो जाना चाहिए, चिकन अच्छे से कुक हो जानी चाहिए और मसाला जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे जो आटा गूंदा है उसमें हम इसके रोल लपेटेंगे। आटे की मैंने यहाँ पर एक पतली सी रोटी बना ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा फिलिंग डालूंगी और इसको रोल करूंगी। इसे रोल करके मैंने फ्रिज में रख दिया है और अब वाइल सर्विंग हम इसे डीप फ्राई करेंगे जैसे नॉर्मली हम बाकी के रोल्स को करते हैं। तो फ्रिज में रखे, फिर शाम को इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ रेडी हो गए यमी यमी रांदेरी रोल। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनती है, जरूर ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट जरूर करना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा AFRWNAFRIN_222। थैंक यू।